नया शॉप खुल रहा है जो भी आपको दिखाई हूँ, तो हम लोगों को शॉप पे लेकर आ रहे हैं। ये एक्चुअली हम लोगों का पुराना है, हम लोग सिस्टर लोग यहीं से लेते हैं, ये पूरा अभी बन ही रहा है, तो ये अभी पूरा बन रहा है, बना नहीं है। मैं शॉप का नाम आपको डालूंगी, ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, तो ये हो गया। चलो तो अभी हम लोग यहाँ भैया के शॉप पे आ गए हैं, हम लोग यहाँ चल कर देख लो, जो हमारे ब्लॉगिंग के लिए दिक्कत है। ठीक है, बस ये थोड़ा हिल रहा है, ऐसे ऐसे बैलेंस थोड़ा नहीं बन पाता, ये मत लो, यही पकड़ लेगी। गंदा पटाखा ना ऐसे करके गाइस पायल को देखो, हाँ तुम लोग दोनों को आए बुलाए हैं कुली के लिए। सारा पैकिंग चल रहा है, जितना भी सामान लेकर जाना सारा रख रहे हो, और ये देखो कितना स्पीड से ये गाड़ी चला कर आए थे, और इनकी हालत देखो, ऐसा लगा था क्या करोगे, कुछ पैकिंग नहीं कर रहे गाइस, बस लेटे हुए। और मैं पूरा पैकिंग कर रही हूँ, और लहंगा को तो रख दी हूँ, ये नीचे है मेरे शादी का लहंगा, जो कि पता नहीं कभी पहनना तो होता नहीं है, बस वन टाइम यूज़ है। और ये है फर्स्ट एनिवर्सरी का लहंगा, और जो साड़ी मैं यहीं पर पहनती हूँ वो सारा कुछ यहीं पर रखी हूँ, और अभी सारा पैकिंग चल रहा है। तो अभी गैस मैं जा रही हूँ ऊपर, आपने देखा कि ये हो चुका है मेरा, ऑलमोस्ट हो गया, वो उनका है अभी होगा, तो मैं जा रही हूँ ऊपर, जो भी मुझे गिफ्ट मिला था उसमें से जो जो लेकर जाना है उसके लिए, तो मैं देखती हूँ, मैं ऊपर से लेकर आती हूँ गैस। पूरा मैं फुल पैक कर रही हूँ, जितना उसमें सामान जितना अट सकता था उतना, जितना स्पेस था उससे ज़्यादा ही मैं इसमें भी भर दी हूँ। तो एक ट्रॉली हो गया, ये ट्रॉली अभी खाली है, इसमें ये सारा सामान डालना है, अभी और सामान है ऊपर जो कि इनका कपड़ा है तो वो भी डालना है, तो चलो अभी इसको इसमें जितना होता है उतना डालते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा रही हूँ, सारा थोड़ा घर भी गंदा था तो मैं घर भी थोड़ा क्लीन करी, और क्योंकि पूरा मेस पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैं एनिवर्सरी के बाद मैं मायके चली गई, फिर मायके से आई तो नेदरहाट चली गई, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो मैं अभी सारा पैकिंग की हूँ, अपना सारा कर ली, उनका भी कुछ कुछ की हूँ, और कुछ कुछ बचा हुआ तो वो करना है, और ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। अभी थोड़ा कपड़ा भी धोना था तो वो भी धो ली, और अभी जा रही हूँ नहा रही हूँ, अभी ऊपर जाती हूँ लंच करती हूँ, ऊपर ही बहुत सारा सामान है, तो मम्मी भी कुछ कुछ सामान दे रही है, और दीदी लोग जो मीन्स जो बड़ा बड़ा गिफ्ट था जो मुझे लेकर जाना है उसका भी मैं देखती हूँ, कुछ जुगाड़ लगाना होगा लाइक कार्टून में अगर ले जा सकती हूँ तो चलो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, देखती हूँ पहले लंच करती हूँ, फिर पूरा देखती हूँ कैसे क्या पैकिंग करना है, जो भी एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा सामान है उसको, जितना भी कपड़ा था वो सारा कुछ तो मैं रख रही हूँ, लेकिन जो जो गिफ्ट है वो गिफ्ट आइटम तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो उसको भी रखने का हम लोगों को जुगाड़ करना होगा, जो जो हम लोग ले जाना पॉसिबल होगा उसके लिए, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इनको मैं बोल दी हूँ कपड़ा लेते हुए आएंगे, ये एक्चुअली दादी को खाना दे कर आए, लंच मम्मी देती है तो वही देने आए, और बस कल हम लोग बैंगलोर निकल जाएंगे। तो ऐसा कुछ फैमिली टाइम बहुत अच्छा रहा, अब देखो आगे का मौका मिलता है, बट काम भी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से छुट्टी पे थे तो ज़्यादा छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मंडे से हम लोग दोनों का ऑफिस है, होप सो ट्रेन टाइम पे पहुँचा दें तो ऑफिस भी ज्वाइन कर पाएंगे, तो चलो फिर चलते हैं लंच के लिए। मुझे सारा पैकिंग हो गया, ये सारा गिफ्ट मैं ऐसे कर दिया, इसको मैं थोड़ा रस्सी या किसी चीज़ से बांधूंगी, और कुली तो करना पड़ेगा गाइस, भी काफ़ी सामान हो गया, और ये दो कार्टून है, ये दो कार्टून में भी कुछ कुछ सामान है, तो सारा भर लिया, और दो ट्रॉली हम लोगों का, तो बस इतना ही सामान है। तो ऑलमोस्ट अब सारा पैकिंग हो गया, मैं अभी बना रही हूँ डिनर, डिनर में बना रही हूँ पनीर की भुर्जी और रोटी, तो बस यही चल रहा है, और आज तो लास्ट डे ससुराल में, मीन्स आज तो कल भर ही है ससुराल में, उसके बाद तो फिर बैंगलोर चले जाएंगे। तो चलो होप आपको हम लोगों का ब्लॉग अच्छा लग रहा है, जो भी तो भी यहाँ पे टाइम हमारा फैमिली के साथ रहा वो काफ़ी अच्छा था, और एनिवर्सरी तो आपने वीडियो देखा ही है कितना धमाकेदार एनिवर्सरी था, सब लोगों ने कितना एंजॉय किया। तो बस फर्स्ट बनाई हूँ पोहे, पोहा बना के मैं हॉट पॉट में रख दी हूँ ताकि ये गर्म रहे, और उसके साथ बादाम है जो कि हम लोग ऊपर से लेते हैं रोटी, तो ये है टेस्टी सा पोहा। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आज हम लोग का ट्रेन है तो कुछ कुछ लेना, तो उसी के लिए भी निकल रहे हैं। मेरे ट्रैफिक देखो, क्योंकि इधर बन रहा है ब्रिज, आप देख सकते हो, इसकी वजह से ट्रैफिक हो जा रहा है, क्योंकि इधर से रोड बंद कर दिया, अब हम लोग अगर डरंडा जा रहे हैं तो पूरा राजेंद्र चौक से जाना पड़ेगा उसकी वजह से। और यहाँ से कुछ कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे गिफ्ट आइटम या कैप वगैरह ज़्यादा अच्छा मिलता है, हाँ छोटा शॉप है गाइस, बट सब कुछ रखे भैया यहाँ पे, तो भी है नहीं है, नया शॉप खुल रहा है जो भी आपको दिखाई हूँ, तो हम लोगों को शॉप पे लेकर आ रहे हैं। ये एक्चुअली हम लोगों का पुराना है, हम लोग सिस्टर लोग यहीं से लेते हैं, ये पूरा अभी बन ही रहा है, तो ये अभी पूरा बन रहा है, बना नहीं है। मैं शॉप का नाम आपको डालूंगी, ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, तो ये भैया को इसमें नया शॉप मिल चुका है, देख सकते हो चाहत कलेक्शन शॉप। ओ भैया नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम लोग का काम है, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम है हम लोग, ये जो इंटीरियर डिजाइन किया है ना, ये हाँ किए हैं, अरे बैंगलोर में वो सब हम करते हैं, वो घर वाला हम नहीं करते हैं, इंटीरियर में यहाँ पर बगल में शॉप में मेरा बहुत सारा काम चल रहा है। अच्छा आपका ठीक है,
कंपनी वाला भी काम करता है, जो कंपनी वाला जैसे कुछ ब्रांड वाला जैसे रिबॉक नाइकी वाला वो सब जो अपना शोरूम बनाते हैं ना, तो वो सब का भी हम पूरा लाइट वुड के साथ सारा। अच्छा नहीं नहीं वो अपने लिए रखे नहीं। अच्छा बहुत अच्छा, वो बहुत पुराना घर का ही है, विरासत रियल है। अंग्रेज के जमाने का ये अंकल आप खरीदे हैं? नहीं, ये देखो गाइस भैया का क्रिएटिविटी, परफ्यूम को इस तरह से। हाँ अभी चलते हैं, क्या नाम है मॉल का ये कॉम्प्लेक्स? ग्रैंड मॉल। खुलने से पहले ही हम लोग को भैया अंदर एंटर करा दिया। गवर्नमेंट तोड़वा रहा है क्या? गवर्नमेंट तोड़वा रहा है। तो ये आप रेंट पे लिए कि मींस लीज पे? अपना ही लिए। अच्छा, तो हम लोग ये बाइक राइडिंग के लिए जाते थे। क्या नाम है आप लोगों का? नासिर 99 रेसिंग नाम से। अच्छा, मेरे पास सुपर बाइक है, 3 सुपर बाइक है मेरे पास। अच्छा हम लोग तो बैंगलोर में रहते हैं, यहाँ पे रहते नहीं है। ये शॉप मेरा कंप्लीट है। अच्छा, ये आप ही किए इंटीरियर? नहीं, ये वाला बनवा रहे हैं, इनका स्विस मिलिट्री का ये रहता है ना बैग, स्विस मिलिट्री। अच्छा, उसका शोरूम आ रहा है। बैग सिर्फ बैग सर? स्विस मिलिट्री का तो बहुत सारा चीज आता है ना, मतलब वो कुछ छोटा मोटा गैजेट्स सब। ये बन रहा है, ये मैं कॉम्प्लेक्स का नाम आपको डाल दूंगी, देख लेना आप। यहाँ से भैया का शॉप आके ले सकते हो। थैंक यू थैंक यू। चलो डेली मार्केट ट्राइपॉड देखने के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। मैंने आ गया ट्राइपॉड देख रहे हैं डेली मार्केट में, तो ये तो एक अच्छा लग रहा है ना, इससे अच्छा भी आ रहा है और ऊपर में। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ भैया के शॉप पे आ गए हैं, हम लोग यहाँ ट्राइपॉड देख रहे हो, जो हमारे ब्लॉगिंग के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, बस ये थोड़ा हिल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे बैलेंस थोड़ा नहीं बन पाता। ये मत लो, यही लो हमको, बट देखो वो बड़ा हो रहा है, तो इसका बड़ा नहीं होगा भैया, ये बड़ा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई हिलेगा ना, कम से कम तुम्हारा वीडियो हिलेगा। नहीं हिलेगा, लाइट वाला वाइट कलर का लाइट वाला क्या है? अपना फोन लगाइए, आप इसमें अपना फोन लगा कर लिए, कवर देख लीजिए। के पास से ले लिया है ये ट्राइपॉड, वाइट वाला है ना, वाइट वाला है ना इसके अंदर? हाँ हाँ वाइट वाला। पापा जी का हम लोग यहाँ पे डेली मार्केट से ले लिए हैं, ये देख सकते हो आप ट्राइपॉड, और अभी निकल गए, काफी लेट हो गया, और अभी मुझे लेना था एक स्लीपर, तो वो देखते। तो फ्रेंड्स जाने की तैयारी हो गई है बैंगलोर, और सारा कुछ पैकिंग हो गया है, तो बस अब निकलना है। और दी भी आ रही है, सानू का तो ऑफिस चल रहा है, तो वो सानू आ नहीं सकती है, तो दी आ रही है स्टेशन मिलने के लिए। तो चलो अभी निकलते हैं, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सच बता दो, और हम बहुत इमोशनल हो गए थे थोड़ी देर पहले, बट ठीक है अभी जाना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग का तो जॉब है, वहीं पर रहना है। ट्रेन में हम लोग का तो 2 लगेगा, तो उसके लिए मम्मी और हम मिलके कुछ कुछ बनाया, लाइक मम्मी बना दी है पिट्ठा, और मैं रोटी ले ली हूँ, रोटी घी लगा के ली हूँ ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, और कुछ जो, और वहाँ से मायके से मम्मी भी कुछ दे रही है बनाकर। तो चलो अब निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। बेड हम लोग मोड़ दिए हैं, क्योंकि अब तो जा रहे हैं, पता नहीं कब आना होगा। ये 2 ट्रॉली, और लाइट ऑफ करते हैं, निकलते हैं, और अलमीरा भी लॉक कर दिया, सब कुछ रोटी बस बना दी हूँ, ये मम्मी बनाई है पिट्ठा, ये रोटी है, और सब्जी भी ले रहे हैं, और भुजिया नहीं, सब कुछ नहीं है, भुजिया सब कुछ भुजिया उसमें, भुजिया है गाइस यहाँ पे, और ये मम्मी बनाई है पिट्ठा दाल भर के, तो सारा कुछ अभी पैक करते हैं ले जाने के। सब्जी ना एकदम ग्रेवी में दे रहा हूँ, लेकिन ये रोटी है ना लाठी का बांध रहा है ना, ये तो नहीं पता ना अभी क्या होने का है, पूरा खाने का सामान भर लिया, लेकिन साथ में सब निकलने का टाइम आ गया, तो वो बस निकल रहे हैं। और मम्मी कैसा लगेगा आपको, पूरा घर शांत हो जाएगा फिर से? लगेगा सच बताया तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट अभी जाना तो पड़ेगा, तो चलो मैं क्रैप बैंडेज बांध ली हूँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो चलो अब निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। बस ठीक है पापा जी, अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है मम्मी, अच्छे से रहिएगा, आइए पापा जी आइएगा, अरे यार दीदी और पायल आ चुकी है,
मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो अभी स्टेशन पे ये लोग से मिलते हैं। हाँ सौरभ, हाँ चालू हो गए। तो गाइस ये सौरभ इनके फ्रेंड। आप कल जाइए साथ में, कल जाइए साथ में। पकड़ ले ये। गाइस पायल को देखो। हाँ तुम लोग दोनों को आए बुलाए हैं खुलिए के लिए। अरे वो सब जितना गिफ्ट था ना वही सब रैप करवाए हैं। और अभी बज रहे हैं 5:30। वो छोड़ दो। तो ये पहुंच गया हटिया स्टेशन। अभी 5:30 हो रहा है और अभी देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे है। एक्चुअली हम लोगों को पता है नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे है, तो चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं। और दीदी और पायल को पूरा कूली बना दिए क्योंकि रांची में कूली मिलता नहीं है गाइस यहाँ पे। तो ये लोग आए हैं तो हेल्प भी हो जा रहा है।